हेलो एवरीवन, मेरा नाम है आकिब सिद्दीकी और आज मैं आप लोगों के सामने आया हूँ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का लेक्चर नंबर 1 लेके। इलेक्ट्रोस्टैटिक में मेरे 4 लेक्चर ऑलरेडी कंप्लीट हो चुके हैं। पहले लेक्चर में हमारा है कूलम्स लॉ, दूसरे लेक्चर में है इलेक्ट्रिक फील्ड, तीसरे लेक्चर में है गॉस थ्योरम का आधा पार्ट और दूसरा पार्ट चौथे लेक्चर में है। दिस इज द 5th लेक्चर ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक एंड 1st लेक्चर फॉर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। 2 चैप्टर्स हम लोग ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं। द फर्स्ट चैप्टर वॉज इलेक्ट्रिक फील्ड एंड कूलम्स लॉ एंड सेकेंड चैप्टर वॉज योर गॉस थ्योरम एंड दिस इज द 3rd चैप्टर ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक। शुरुआत करते हैं इस चैप्टर के नाम से। इस चैप्टर का नाम है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और इट कैन और इन अदर वर्ड्स इट कैन बी सेड दैट पोटेंशियल ऑफ इलेक्ट्रिक, मतलब कि यहां पे इलेक्ट्रिक का मतलब है चार्जेस और पोटेंशियल का मतलब है दी अनरियलाइज्ड एबिलिटी। इसको समझते कैसे हैं कि ये अनरियलाइज्ड एबिलिटी है क्या? जैसे कि अक्सर बच्चों को रिजल्ट में प्रमोट करते वक्त लिखा जाता है कि ही हैज द पोटेंशियल टू डू बेटर। पोटेंशियल का मतलब वो एबिलिटी जो कि रियलाइज नहीं की गई है। अब इसको हम लोग समझते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के टर्म में। जैसे मान लेते हैं कि एक हमारे पास कोई पॉजिटिव चार्ज है जिसका मैग्नेट्यूड क्या है क्यों, तो चार्ज क्या करता है, हम लोग पिछले लेक्चर में पढ़ चुके हैं ये सब चीजें, कि अपने आसपास आउटवर्ड की तरफ और रेडियल इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप करता है। मतलब कि ये पॉजिटिव चार्ज है तो इसके हर तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप होगी, हर तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड को हमने क्या कहा था कि इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर कोई अदर चार्ज आता है, जैसे मान लीजिए एक हम नया टेस्ट पॉजिटिव चार्ज लेके आते हैं इस फील्ड में, तो पॉजिटिव चार्ज के नजदीक जब टेस्ट पॉजिटिव चार्ज आएगा तो इट विल रिपेल दैट चार्ज। मतलब यहां पर टेस्ट पॉजिटिव चार्ज अगर आया इसके एरिया में, इसके दायरे में, इसकी फील्ड में, तो इट विल एक्सपीरियंस द फोर्स ऑफ रिपल्शन। ठीक है, तो जैसे जैसे चार्ज से दूर जाते जाएंगे, हमने पढ़ा इस बात को बहुत क्लियरली कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड का जो फॉर्मूला हुआ करता था इट वाज योर 1/4πε0Q/r² न्यूटन पर कूलम। यहां से देख सकते हैं कि चार्ज तो हमारा मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है उसका, और ये खुद एक कांस्टेंट है, और ये हमारा डिस्टेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। मतलब जैसे जैसे दूर जाते जाएंगे चार्ज से, उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगी, घटती चली जाएगी। और हम लोग ये मान के चलते हैं कि इन्फिनिटी पे इलेक्ट्रिक फील्ड हमारी क्या हो जाती है, 0 के बराबर हो जाती है अप्रोक्सीमेटली, क्योंकि कहा जाता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड कभी खत्म नहीं होती। अभी मैं इसके ग्राफ वगैरह आप लोगों को रिप्रेजेंट करके दिखाऊंगा तो एक्सपोनेंशियल टाइप का ग्राफ बनता है, मतलब कि कुछ ऐसा यहां से आया और ये घटता चला जाता है। ये आपका डिस्टेंस है, ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है, मतलब कि ये इन्फिनिटी तक जाते जाते एकदम नजदीक आ जाएगा ग्राफ के, लेकिन ये कभी जीरो नहीं होता। लेकिन हम लोग ये मान लेते हैं कि एट एन इनफाइनाइट डिस्टेंस इलेक्ट्रिक फील्ड बिकम्स जीरो। अब देखिए बात आती है कि व्हाट इज अवर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अगर मान लीजिए एक क्यू मैग्नीट्यूड का पॉजिटिव चार्ज हमारे पास रखा हुआ है और यहाँ पे टेस्ट पॉजिटिव चार्ज ला रहे हैं किसी ए पोजिशन पे है, ए पोजिशन पे है, और इसे हम इस रिपल्सिव फोर्स के बावजूद हमें इसको इधर लेके जाना है, मतलब ए पोजीशन से कहां पे लाना है, बी पॉइंट पे ले जाना है, तो हमें ऑब्वियसली क्या करना पड़ेगा, एक फोर्स लगाना पड़ेगा इसके अगेंस्ट में, और हमें क्या करना होगा, एक डिस्टेंस मूव करनी होगी। तो फोर्स और डिस्टेंस, मतलब फोर्स लगाया, व्हेनेवर वी अप्लाई अ फोर्स ऑन अ बॉडी द बॉडी डिस्प्लेसेस, बट द कंडीशन इज दैट दैट फोर्स शुड बी दैट मच सफिशिएंट टू ओवरकम द रिपल्सिव फोर्स। मतलब ये जो फोर्स हम इसको इधर की तरफ लगाएंगे कि भाई हाँ ये नहीं जाने दे रहा, कह रहा हमारी तरफ मत आओ, लेकिन उसके बावजूद इन स्पाइट ऑफ दैट अगर हम चार्ज को यहां से यहां खिसकाना चाह रहे हैं तो वी विल हैव टू अप्लाई अ ग्रेटर फोर्स देन द फोर्स विच इज अप्लाइड ऑन दिस चार्ज ड्यू टू दिस चार्ज। ठीक है, तो हम लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को समझते हैं कि द वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू अ पर्टिकुलर पॉइंट इज कॉल्ड एज योर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। मतलब कि अगर पोटेंशियल को वी से डिनोट करें तो पोटेंशियल क्या है आपका, वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ टेस्ट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू अ पॉइंट इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो इसे आप लोग जरा नोट कर लें, इसकी डेफिनेशन यहां पे हम लिख देते हैं, द वर्क डन
इन ब्रिंगिंग अ चार्ज, इन ब्रिंगिंग अ चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू अ पॉइंट इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इसे आप लोग नोट करें। हाँ भाई, तो अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है पोटेंशियल डिफरेंस। एज द नेम इज टेलिंग दैट दिस इज द डिफरेंस ऑफ पोटेंशियल बिटवीन टू डिफरेंट पॉइंट्स। मतलब कि पोटेंशियल एट ए एंड पोटेंशियल एट बी का जो डिफरेंस होगा दैट विल बी कॉल्ड एज योर पोटेंशियल डिफरेंस। अब हमने पढ़ा है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट इज इक्वल टू वर्क डन अपॉन चार्ज। इट्स डेफिनेशन वॉज The work done in bringing a unit test positive charge from infinity to a point is called as electric potential at that point. ठीक है, अब बात करते हैं, ये चार्ज अब इन्फिनिटी वाला मसला नहीं है। अब ये कोई दो पॉइंट्स हैं, एक बी है और एक ए है। ठीक है, तो यहां पे क्या करना है, बी से बी पोजीशन से हमें ए तक लेके आना है एक चार्ज को। ठीक है, तो अब पहले तो ये डिसाइड करेंगे कि विच वन विल बी एट हायर पोटेंशियल। हायर पोटेंशियल का मतलब कि अब अगर देखें पोटेंशियल की बेसिक डेफिनेशन में जाएं, बेसिक फॉर्मूले में जाएं, तो पोटेंशियल इज व्हाट, वर्क डन अपॉन टेस्ट पॉजिटिव चार्ज या वर्क डन अपॉन चार्ज। ठीक है, तो पोटेंशियल क्या हो, वर्क डन क्या होता है आपका, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। अब एक बात ईमानदारी से बताइए, मतलब हमने पढ़ा हुआ है इलेक्ट्रिक फील्ड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस। ठीक है, तो ये ए ज्यादा नजदीक है बी से, इस चार्ज से, या बी ज्यादा नजदीक है, मतलब इस चार्ज के करीब में कौन है, ए है, तो इस चार्ज के जितने करीब में होगा फोर्स उतना ही ज्यादा रिपल्सिव होगा। ठीक है, ये बात क्लियर है। मतलब अगर यहां पे देखेंगे तो यहां पे सबसे ज्यादा फोर्स लगेगा, और करीब में आएंगे और ज्यादा फोर्स लगेगा, लेकिन जैसे जैसे दूर जाएंगे वैसे वैसे क्या होगा, फोर्स लगना कम हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि इसकी फील्ड घटती जाएगी। तो यही बात है कि बी पे हमारी फील्ड क्या है, कम है इन कंपेरिजन टू ए, दैट विल, दैट्स व्हाई वी विल अज्यूम दैट वी विल हैव दिस That A has the higher potential than B, because potential directly proportional to the work done and work done is equal to force into displacement. मतलब जितना ज्यादा force लगेगा उतना ही ज्यादा हमें work लगाना पड़ेगा। भाई कोई चीज हमें जितना ज्यादा oppose करेगी, हमें उसको खुद oppose करने के लिए उतना ही ज्यादा उसके against में force लगाना पड़ेगा। तो that is why electric potential at A is greater than electric potential at B. That is the reason why here we have mentioned that कि VA minus VB is equal to work upon charge. अब बात आती है इसके यूनिट की, तो दैट इज वर्क इज ऑलवेज इन जूल, ये कूलम जिसे कहते हैं, जूल पर कूलम को बोलते हैं वोल्ट्स, मतलब इट इज डिनोटेड बाय द लेटर वी। तो पोटेंशियल डिफरेंस का डेफिनेशन क्या बनती है, द वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ चार्ज from one point to another point in an electric field is called as potential difference. इसे आप लोग नोट कर ले, जल्दी से नोट करें। चलिए, अब हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। पहले हम पुराने पढ़े हुए फॉर्मूले को एक बार रिवीजन करेंगे। हमने क्या पढ़ा था, पोटेंशियल एट अ पॉइंट इज वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ टेस्ट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू अ पॉइंट। अगर मान लें कि हमारा जो दो पॉइंट के बीच वाला हम लोगों ने पढ़ा था ना, बी से लेके ए तक जाने में जो भी वर्क डन करना पड़ेगा दैट विल बी योर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट। लेकिन हम पहला फॉर्मूला अगर देखें
इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वाला, तो हम बता रहे हैं जैसे कि यहाँ पे जब इंफिनिटी पे जाएंगे तो उस चार्ज की वजह से अदर चार्ज पे लगने वाला फोर्स ऑलमोस्ट जीरो होगा। ठीक है, मतलब जैसे मान लो ये चार्ज है यहाँ पे रखा हुआ है, मान लीजिए ये एक चार्ज बॉडी है और यहां से 5000 किलोमीटर दूर 5000 किलोमीटर दूर इस चार्ज का इफेक्ट तो भाई जीरो होगा। टेक्निकली जीरो नहीं होगा क्योंकि इसकी फील्ड कुछ ना कुछ तो होगी क्योंकि फील्ड कभी खत्म नहीं होती, लेकिन प्रैक्टिकली अगर देखें तो वहां पे उसका असर लगभग ना के बराबर होगा, दैट मींस अप्रोक्सीमेटेड वैल्यू। ठीक, तो इस चार्ज की वजह से इंफिनिटी पे इस चार्ज की वजह से किसी अदर चार्ज पे लगने वाला फोर्स क्या हो गया, जीरो। फोर्स जीरो हो गया तो हमारा वर्क डन भी जीरो हो गया, तो वर्क डन अगर जीरो हो गया तो हमारा पोटेंशियल क्या हो, जीरो बाय समथिंग, कितना भी चार्ज का मैग्नीट्यूड हो वो आंसर कितना आएगा, जीरो। तो यहां से ये चीज कंफर्म हो गई कि पोटेंशियल एट इंफिनिटी क्या होता है, जीरो। मान लेते हैं कि हमारा ये मान क्या लेते हैं फॉर्मूला है ये वी ए माइनस वी बी क्या था, वर्क अपॉन चार्ज एट पोटेंशियल एट इंफिनिटी इज जीरो, देयरफॉर पोटेंशियल एट ए विल बी वर्क अपॉन चार्ज। अब हम बात करते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज, मतलब कि एक पॉइंट चार्ज हमारे पास रखा हुआ है और इससे आर डिस्टेंस पे किसी एक पी पॉइंट पे हमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पता करना है। तो हमें पता है हम लोग क्या करेंगे, एक चार्ज लेके आएंगे इस फील्ड में और उस चार्ज को एक पोजीशन से दूसरे पोजीशन में ले जाके देखेंगे कि कितना वर्क डन करना पड़ रहा है, दैट विल बी अवर वर्क डन अपॉन चार्ज, दैट विल बी अवर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो मान लेते हैं इससे हम किसी एक और डिस्टेंस मान लेते हैं यहां से कोई x डिस्टेंस है, ठीक है x डिस्टेंस है और कोई चार्ज को हम इंफिनिटी से लेके आए हैं, कहां से लेके आए हैं इंफिनिटी से लेके आए हैं और मान लेते हैं कि ये इसी लाइन में इस पोजीशन लाइज इन द लाइन जॉइनिंग द चार्ज एंड दैट पॉइंट। ठीक है, अब मान लेते हैं कि यहां पे एक पॉइंट हमारा ए है, मान लेते हैं ये पॉइंट बी है और ये पॉइंट हमारा ए है। अब यहां तक की डिस्टेंस x है और ये दोनों पॉइंट इनफाइनाइटली स्मॉल डिस्टेंस है। ठीक है, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस क्या है, इनफाइनाइटली स्मॉल। तो मान लेते हैं कि हमारा ये dx डिस्टेंस है। ठीक है, x का इनफाइनाइटली स्मॉल कंपोनेंट क्या बनेगा, dx। जैसे कि p का मान लीजिए इनफाइनाइटली स्मॉल डिस्टेंस क्या बनेगी, अगर डिस्टेंस हमारी p होती है, t होती है, कुछ भी होता तो उसका d बन जाता, मतलब d ऑफ x अगर p होता तो d ऑफ p, d ऑफ r होता तो d ऑफ r, सॉरी r होता तो d ऑफ r। लीजिए समझ में आ रही है, x डिस्टेंस थी उसका इनफाइनाइटली स्मॉल कंपोनेंट हमारे पास क्या मिल गया, dx मिल गया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इस चार्ज को यहां से यहां खिसका के देखेंगे। ठीक है, तो पहली बात तो यहां हम जब टेस्ट पॉजिटिव चार्ज रखेंगे तो हमें पता चलेगा कि एक फोर्स इधर की तरफ लग रहा है। ठीक, तो हम उस फोर्स की पहले मैग्नीट्यूड निकाल लें, कितना होगा 1/4πε0Q0r2। अब हम क्या निकालेंगे, वर्क डन, मतलब कि इस फोर्स को लगाने के बाद जो डिस्प्लेसमेंट हुआ तो उस टोटल में वर्क डन हमारा कितना हुआ। वर्कडन कितना होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट मतलब एफ इनटू डीएक्स। यहां पे नेगेटिव लाएंगे क्योंकि हम लोग हमारा कन्वेक्शन है जनरली कि लेफ्ट साइड जाते हैं जब, क्योंकि अपोज कर रहा है ना ये, या तो इस तरह से समझ लीजिए कि दिस चार्ज इज अपोजिंग दिस चार्ज, दैट्स व्हाई वी आर यूजिंग द डिस्टेंस एज माइनस। ठीक है, फोर्स को भी आप नेगेटिव ले सकते हो और डिस्टेंस को भी नेगेटिव ले सकते हो, तो दोनों में से किसी एक को, तो एज वी आर मूविंग टुवर्ड लेफ्ट साइड दैट्स व्हाई वी विल टेक dx एज माइनस। ठीक है, तो हम लोग मानते हैं ये इनफाइनाइटली स्मॉल डिस्प्लेसमेंट होगा तो हमारा वर्क डन भी इनफाइनाइटली स्मॉल होगा, लेकिन फोर्स तो हमें प्रॉपर लगाना पड़ेगा ना। तो यहां से एक चीज क्लियर है आप लोगों को, अब हम क्या करेंगे, इसको पूरे को इंटीग्रेट करेंगे। ये कुछ ऐसा दिखेगा और फोर्स हमें पता है। अच्छा, इंटीग्रेट करने में क्या करना है, हमें कहां से कहां मूव कराना है, किसी एक इंफिनिटी से कहां तक लेके आना है, आर डिस्टेंस तक लेके आना है, मतलब ये डिस्टेंस हमारी क्या है, आर है, मतलब इंफिनिटी से हमें कहां तक लाना है, आर तक लाना है। ये हमारा बेसिक फॉर्मूला बनेगा, इसे आप लोग नोट करें। हाँ, तो डियर स्टूडेंट्स, एक छोटी सी मिस्टेक ये हो गई है कि यहाँ पे R नहीं X होगा। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा, X होगा, क्योंकि इस जो हमने चार्ज रखा था, मान लीजिए यहाँ पे रखा है प्लस Q और यहाँ से R डिस्टेंस पे हमें निकालना था, हमने क्या कर लिया था, यहाँ से X डिस्टेंस पे एक पॉइंट ले लिया था और यहाँ से हमें हाथ निकालना था ये तक। तो यहाँ पे टेस्ट पॉजिटिव चार्ज जब रखा है तो ये डिस्टेंस कंसीडर होगी ना कि इसके ऊपर कितना फोर्स लगा है। ठीक है, और हमने क्या किया, इस फोर्स की वैल्यू सिंपली उठा के यहाँ पे रख दिया।
अब ज्यादा काम नहीं बचा हुआ है, इंटीग्रेट किया, dw का इंटीग्रेशन क्या आएगा, w आएगा, जैसे कि dx का इंटीग्रेशन क्या आता है, x आता है, तो हम लोग सारे कांस्टेंट टर्म्स को अलग कर लेंगे, मतलब इंटीग्रेशन साइन के बाहर कर लेंगे, मतलब क्या आएगा ये q q नॉट अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन x स्क्वायर dx। एक फॉर्मूला आप लोग जरूर नोट कर लीजिए कि इंटीग्रेशन ऑफ x टू द पावर n इक्वल टू x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1, ठीक है। और ये हमारा पॉइंट कहाँ था, इन्फिनिटी से लेकर हमें कहाँ तक लाना था, r तक, मतलब इन्फिनिटी से लेकर कहाँ तक लाना था, r तक। और ये हमारा डेफिनेट इंटीग्रेशन है। डेफिनेट इंटीग्रेशन वो चीज होती है जिसमें हमारे पॉइंट्स कंफर्म होते हैं कि कहाँ से कहाँ ले जाना है, और इनडेफिनेट क्या होते हैं जिसमें ये लोअर लिमिट और अपर लिमिट नहीं दी होती। तो जिसमें लोअर लिमिट और अपर लिमिट दी होती है उसमें कोई कॉन्स्टेंट टर्म नहीं आता कैलकुलेशन के बाद, और जिसमें नहीं होता दैट इज कॉल्ड एज योर इनडेफिनेट इंटीग्रेशन, उसमें प्लस सी साथ में आ जाता है। तो इसी फॉर्मूले का यूज करेंगे हम लोग, तो इसको कैसे बना देंगे, तो अब इस फॉर्मूले को अप्लाई करेंगे, इसमें हमारा क्या आएगा, वर्क डन माइनस क्यू क्यू नॉट अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंफिनिटी से आर तक, और ये एक्स टू द पावर माइनस 2 डीएक्स। इस फॉर्मूले को यहां अप्लाई करेंगे तो हमारा आएगा एक्स की पावर माइनस 2 प्लस 1 अपॉन माइनस 2 प्लस 1, ये r मतलब इनफिनिटी से r, थोड़ा सा इसको यहां पे लिख लेते हैं। तो वर्क डन हमारा आएगा माइनस q q नॉट अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, दिस टर्म विल बी समथिंग लाइक सिर्फ कैलकुलेशन वर्क है, इतना टफ नहीं है, बहुत सिंपल है। अब तरीका ये है अपर लिमिट और लोअर लिमिट को रखने का, मतलब दिस वन इज योर आर इज योर अपर लिमिट एंड इंफिनिटी इज योर लोअर लिमिट। तो पहले अपर लिमिट को इस पूरे फंक्शन में रख देते हैं, जहां जहां पे एक्स होगा वहां पे आर रखेंगे, फिर उसके बाद माइनस करके, पॉइंट नोट करिएगा, माइनस करके लोअर लिमिट रखते हैं, जरूर रखिए। Something divided by infinity is always zero. तो यहाँ पे ये टर्म पूरा जीरो हो जाएगा, तो ये माइनस मिलेगा, तो हमें कुछ ऐसा मिलेगा रिजल्ट। तो हमें वर्क डन कितना मिल गया, ये पॉजिटिव हो जाएगा q q नॉट अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। इतना आप लोग नोट करें, अब इसे हम रफ कर देते हैं। तो हमें फाइनली वर्क डन कितना मिल गया, इसको अगर अरेंज करके लिखे तो क्या आएगा, 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट q q नॉट अपॉन आर, ठीक है, जूल ऑब्वियसली। अब हमने पोटेंशियल क्या पढ़ा है, पोटेंशियल इज द वर्क डन अपॉन चार्ज, जूल्स पर कूलम, या SI यूनिट बोले तो इसकी ड्राइव यूनिट क्या है, वोल्ट्स, जो भी वर्क है उसमें चार्ज को डिवाइड कर देंगे। Q0 से Q0 चार्ज हमने डिवाइड कर दिया है, पोटेंशियल हमें कितना मिल जाएगा, 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई R वोल्ट, या कह सकते हो जूल्स पर कूलम, इसे आपको वोल्ट करना है। चलिए अब देखते हैं कि पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज सिंपली क्या होता है, हमारा V इज इक्वल्स टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई R वोल्ट्स। इसको थोड़ा सा अगर हम सिंपल वे में समझे हैं कि मतलब हमारे पास एक चार्ज था यहाँ पे, और इससे हमें क्या था, R डिस्टेंस पे कोई P पॉइंट पे हमें क्या निकालना था, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो हमने क्या किया, एक इंफिनिटी से कोई चार्ज लेके आए, पॉजिटिव चार्ज,
जो कि कहां पे लेके आए, इस पॉइंट पे लेके आए जो कि इस चार्ज से एक्स डिस्टेंस पे था। यहां पे मान लेते हैं हमारा एक कोई बी पॉइंट है, यहां पे हमारा क्या है ए पॉइंट है। तो हमने इनफाइनाइटली स्मॉल डिस्टेंस किसका भी देखा, तो हमें क्या वर्क करना पड़ा, एफ ऑफ डब्ल्यू इक्वल टू एफ ऑफ माइनस डी एक्स, ठीक है। और हमें करना कुछ नहीं था यहाँ पे, सिंपली क्या कर देना है इनफिनिटी से लेकर आर तक वेक्टर को निकालना है डी डब्ल्यू, तो इनफिनिटी से लेकर आर तक इसको इंटीग्रेट कर देंगे, ठीक है। और एफ की वैल्यू पता ही होगी आपको, यहाँ पे कितनी होगी इसका सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, कोई डायरेक्शन नहीं होता। और दूसरा आता है डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर पोटेंशियल, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, आपके बोर्ड्स में और कॉम्पिटिशन में एक क्वेश्चन तो एटलीस्ट डायमेंशन का पूछ ही लेता है। तो इसलिए जितनी भी चीजें आप लोग पढ़े, जितनी भी नई टर्म्स नई डेफिनेशंस पढ़े, उनका अगर वो फिजिकल क्वांटिटीज हैं तो उनका डायमेंशनल फॉर्मूला जरूर आप लोग ट्राई करके सीख लें या रट लें। रटना इज नॉट इम्पॉर्टेंट, आप अगर समझ लोगे तो कभी भी ट्राई कर सकते हो। सिंपली आप उसके फॉर्मूले में जाइए, पहला काम फॉर्मूला क्या होता है, वर्क अपॉन चार्ज, वर्क डन क्या होता है आपका फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, और चार्ज क्या होता है करंट इंटू टाइम, क्योंकि आपने पढ़ा होगा ना आई इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी, तो क्यू इज इक्वल टू कितना हो जाएगा आई टी। इस फॉर्मूले से हमने करंट इज इक्वल टू चार्ज इज इक्वल टू करंट इनटू टाइम ड्राइव कर लिया, और हमने फोर्स का डायमेंशन फॉर्मूला याद होना चाहिए एमएलटी माइनस टू, और डिस्प्लेसमेंट क्या है एल है, तो यहाँ पे एल लिख देंगे, और ये क्या हो जाएगा करंट का एम्पियर्स होता है, टाइम का टी होता है, मतलब ए और टी। अब इनको जरा ऊपर लेके आइए, तो देखिए एल इंटू एल क्या हो जाएगा एल स्क्वायर, तो एम एल स्क्वायर टी की एक पावर और ऊपर आएगी, मतलब ये पावर ऊपर आएगी माइनस में हो जाएगी टी माइनस थ्री ए। इट इज द डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर पोटेंशियल, इसे आप लोग नोट करें। अब देखिए डियर स्टूडेंट्स, हमारे पास एक नया टॉपिक है, दैट इज योर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ ग्रुप ऑफ पॉइंट चार्जेस, मतलब एक नहीं एक से ज्यादा चार्जेस है यहां पे, ठीक है। मतलब कि मान लेते हैं कि एक हमारा चार्ज ये रखा है Q1, और पोटेंशियल का फॉर्मूला जरूर याद रखिएगा 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट q बाई r, क्या है जितने डिस्टेंस पे हमें पता करना हो पोटेंशियल, और q क्या है जिस चार्ज का पोटेंशियल पता करना हो। तो मान लेते हैं q1 रखा है यहाँ पे, यहाँ पे q2 रखा है, यहाँ पे माइनस q3 रखा है, यहाँ पे q4 रखा है, और यहाँ पे माइनस q5 रखा है। इन ग्रुप ऑफ चार्जेस की वजह से एक पर्टिकुलर p पॉइंट पे हमें क्या निकालना है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो पहली बात तो हमें डिस्टेंस दी होगी ऑब्वियसली, मान लेते हैं इसके वजह से डिस्टेंस क्या है r1, और इससे डिस्टेंस क्या है r3, और q4 से डिस्टेंस क्या है r4, मान लेते हैं q2 थोड़ा नीचे रखा हुआ, ये मान लेते हैं आपका r2 है, और q5 मान लीजिए रखा है, तो डिस्टेंस क्या है आपकी r5। तो पोटेंशियल क्या है एक स्केलर क्वांटिटी है, तो इनको क्या करेंगे हम लोग सिंपली ऐड कर देंगे तो हमें क्या मिलेगा, मतलब अगर v1 देखें तो कितना होगा 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट q1 बाई r1, v2 क्या मिलेगा 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट q2 बाई r2, और v3 क्या मिलेगा 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट q3 अपॉन r3। तो देखिए स्केलर क्वांटिटी है तो कहां गया q3, नेगेटिव साइन यहां रख देंगे, फिर आप लिखेंगे v4 कितना होगा 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट q4 अपॉन r4, फिर आपका आएगा v5 कितना होगा 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट q5, नेगेटिव में है तो यहां नेगेटिव है, अपॉन r5, ठीक है। तो इसी तरह आप लोग नोट करें एक बार, ठीक है। अब हमारा नेट पोटेंशियल कितना आएगा v इज इक्वल टू v1 प्लस v2 प्लस v3 प्लस v4 प्लस v5, स्केलर क्वांटिटी है, कोई डायरेक्शन कोई रिजल्टेंट निकालने की जरूरत नहीं है, सिंपली सबको उठा के ऐड कर दिया, तो v हमें कितना मिल जाएगा। देखिए एक चीज देखने वाली है कि 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट सब में कॉमन है, तो ऑलरेडी इसको कॉमन ले लेंगे, तो 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनको कॉमन ले लिया,
तो यहाँ पे क्या बचेगा, Q1 अपॉन R1, Q2 अपॉन R2, Q3। तो देखते हैं Q1 अपॉन R1 प्लस Q2 अपॉन R2 माइनस Q3 अपॉन R3 प्लस Q4 अपॉन R4 माइनस Q5 अपॉन R5। तो ये क्या होगा, पोटेंशियल ड्यू टू अ ग्रुप ऑफ पॉइंट चार्जेस। इसे आप लोग नोट करें। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है पोटेंशियल ग्रेडियंट। इसको समझते हैं कि पोटेंशियल ग्रेडियंट है क्या। तो इसकी डेफिनेशन ये है कि द रेट ऑफ चेंज ऑफ पोटेंशियल विद डिस्टेंस इज कॉल्ड एज पोटेंशियल ग्रेडियंट। मतलब कि डिस्टेंस में वेरिएशन होने की वजह से, मतलब कि जैसे मान लीजिए एक चार्ज हमारे पास रखा है, चार्ज के एकदम बगल में हम लोग हैं, इनफाइनाइटली स्मॉल डिस्टेंस पे है, मान लीजिए ए पॉइंट पे, तो यहां पर क्या हो रहा है, पोटेंशियल मैक्सिमम मिलेगा सबसे नजदीक डिस्टेंस। जैसे जैसे आगे जाएंगे, यहां जाएंगे पोटेंशियल क्या हो जाएगा, घट जाएगा। यहां जाएंगे पोटेंशियल क्या हो जाएगा, और घट जाएगा। यहां जाएंगे पोटेंशियल क्या हो जाएगा, और घट जाएगा। तो यहां क्या हो रहा है, डिस्टेंस के साथ साथ पोटेंशियल क्या हो रहा है, वेरी कर रहा है। मतलब वेरिएशन से मतलब है, डजंट मैटर कि घट रहा है या बढ़ रहा है, ठीक है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज द रेट ऑफ चेंज, डजंट मैटर दैट वेदर दैट चेंज इज पॉजिटिव और नेगेटिव, देयर विल बी अ चेंज। मतलब ज्यादा से कम होगा या कम से ज्यादा होगा। तो पोटेंशियल के फॉर्मूला हमारे पास है, देखिए पोटेंशियल का फॉर्मूला 1/4πε0qr, चार्ज हमारा कांस्टेंट है, ये खुद एक कांस्टेंट है, और ये इनवर्स, इससे इनवर्स रिलेशन लगता है। तो यहाँ पे देख सकते हैं इस चीज को हम क्लियरली, इनवर्स मतलब डिस्टेंस बढ़ती जाएगी तो पोटेंशियल घटता जाएगा, और डिस्टेंस घटती जाएगी तो पोटेंशियल बढ़ता जाएगा। मतलब कि इस चार्ज से जितना दूर जाते जाएंगे हमारा पोटेंशियल घट रहा है, जितना करीब आएंगे उतना बढ़ रहा है। मतलब कि मान लेते हैं डी पॉइंट पे एक पोटेंशियल है कुछ, सी पे आएंगे तो डी से ज्यादा मिलेगा, बी पे आएंगे तो और ज्यादा मिलेगा, ए पे आएंगे तो बहुत ज्यादा मिलेगा। मतलब इसके एकदम नजदीक आ जाएंगे तो मैक्सिमम पोटेंशियल हमको मिलेगा, और इन्फिनिटी पे जाएंगे तो कितना मिलेगा, मिनिमम मिलेगा, मतलब कि जीरो मिलेगा, ठीक है। वो जीरो एक्चुअल में होता नहीं, मैंने आपको ग्राफ से जरूर बताया, याद होगा कि ये मान लीजिए डिस्टेंस है और ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड घटती चली जाती है लेकिन कभी इस एक्सिस को टच नहीं करती, इस एक्सिस के करीब एकदम पहुंच जाएगी लेकिन टच नहीं करेगी, ठीक है। तो इसे आप लोग नोट करें, पोटेंशियल क्या है, पोटेंशियल ग्रेडियंट क्या है, द रेट ऑफ चेंज ऑफ पोटेंशियल विद डिस्टेंस इज कॉल्ड एज पोटेंशियल ग्रेडियंट, और इसी को हम लोग क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड। क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड का पोटेंशियल से क्या रिलेशन है, ये ऑलरेडी हम इसी लेक्चर में बता चुके हैं, तो इसे आप लोग जल्दी से नोट करें। Now, this graph shows the relationship between electric field and distance variation and or potential and distance variation. मतलब distance के हिसाब से potential में क्या changes आ रहे हैं और distance के हिसाब से electric field में क्या changes आ रहे हैं। तो ये वाला graph हमारा जो ये वाला है, ये क्या हो रहा है, ये आपका potential का graph है, that is it means it is varying inversely, ठीक है। और electric field का graph क्या है, इनवर्स ऑफ द स्क्वायर में वैरी कर रहा है। इस ग्राफ को आप लोग नोट कर ले, बहुत इंपॉर्टेंट ग्राफ है। अब हम पोटेंशियल ग्रेडियंट को इलेक्ट्रिक फील्ड से रिलेट करके देखेंगे, इज इक्वल टू माइनस ऑफ डीवी अपॉन डी आर, मतलब माइनस डेल्टा वी अपॉन डी आर, वी वन माइनस वी टू। डेल्टा मैंने क्या बताया था, डेल्टा होता है आपका चेंज, चेंज मतलब एनी फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू, ठीक है। इसे आप लोग नोट करें। फिर हम लोग का आता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम ऑफ चार्ज। सिस्टम ऑफ चार्ज का मतलब कि दो चार्ज रखे हुए हैं एक सर्टेन डिस्टेंस पे, मतलब कि देयर इज वन चार्ज Q1 एंड अनदर चार्ज Q2 प्लेस्ड एट अ r डिस्टेंस फ्रॉम Q1। तो इसको समझते हैं कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम ऑफ चार्ज है क्या। तो पहले चीज तो ये देखते हैं कि द वर्क डन इन ब्रिंगिंग द चार्जेस टू नियर ईच अदर, दो चार्जेस को एक दूसरे के करीब में लाने में जो वर्क किया गया है, दैट वर्क इज कॉल्ड एज योर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी।
मतलब कि दोनों चार्जेस कहां रखे थे, इन्फिनिटी पे रखे थे और उनको एक दूसरे के करीब लाया गया। तो द वर्क डन इन ब्रिंगिंग द चार्जेस फ्रॉम इन्फिनिटी, जरा मेंशन करना मैं भूल गया, आई एम सॉरी, मतलब एक चार्ज ये है ये कहीं इन्फिनिटी पे रखा हुआ है, ये कोई इन्फिनिटी पे रखा है, और एक दूसरा चार्ज है वो ये भी कहीं इन्फिनिटी पे रखा हुआ है। इन दोनों को आर डिस्टेंस पे ला के रखने में जो वर्क किया जाएगा दैट विल बी योर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। फिर से समझिए, द वर्क डन इन ब्रिंगिंग द चार्जेस फ्रॉम इन्फिनिटी टू नियर ईच अदर इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। तो पहला काम ये करते हैं, इस चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना होगा भाई, 1/4πε0Q1r। ठीक, अब हमें पता कि इस चार्ज को हम इन्फिनिटी से यहां पे लाएंगे तो वर्क डन कितना होगा, वर्क डन इज इक्वल टू चार्ज इनटू पोटेंशियल, मतलब इस चार्ज के बारे में बात हो रही है, और पोटेंशियल क्या जो यहां पे पोटेंशियल था, क्योंकि हमने क्या पढ़ा हुआ है पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज इज दिस, इस पॉइंट चार्ज की वजह से जो पोटेंशियल है वो ये है और इस पॉइंट चार्ज को हमें इन्फिनिटी से इसके करीब लाना है। ये बात तो कह रहा है ना, मतलब हमने क्या पढ़ा फॉर्मूला, वर्क डन इज इक्वल टू सॉरी वोल्टेज क्या है, वोल्ट पोटेंशियल क्या है, वर्क डन अपॉन चार्ज, तो यहां से क्या बना, वर्क डन इज इक्वल टू क्यू वी, यही किया हम। ठीक है, तो ये चीज समझने वाली है, इस चार्ज की वजह से पोटेंशियल यहां पे कितना है आर डिस्टेंस पे, ये हमने लिख लिया Q1 की वजह से, और Q2 को हमें लाना है इस पोटेंशियल में, तो हमारा वर्क डन कितना हो जाएगा भाई, यही हमारा U के बराबर हो जाएगा। तो फाइनली हमारा U क्या मिल जाएगा, 1/4πε0, मतलब हम बी की वैल्यू रख रहे हैं, पॉइंट नोट करिएगा, बी की वैल्यू रखेंगे 1/4πε0 Q1r इंटू Q2, तो हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी क्या आ जाएगी, में आएगी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू टू चार्जेस, मतलब Q1 एंड Q2 विच आर प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ r, देन द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी विल बी 1/4πε0 Q1 Q2 बाई r जूल। इस चीज को आप लोग नोट करें, अब एक छोटा सा क्वेश्चन करते हैं और हम लोग ये देखते हैं कि हमारे पास एक ट्रायंगल है जिसमें Q1 और Q2 के बीच की डिस्टेंस R1 है, Q1 और Q3 के बीच की डिस्टेंस R2 है, और Q2 और Q3 के बीच की डिस्टेंस R3 है। हमें टोटल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है। मान लेते हैं ये पॉइंट हमारा A है, ये B है, ये C है, तो तीन सिस्टम बन रहे हैं, दो 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 के पेयर बनाने हैं हमको, मतलब एक तो हमारा बनेगा ए बी और एक बनेगा बी सी और एक बनेगा सी ए। तो ए बी सिस्टम की वजह से यू1 पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी भाई, 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R1। बी सी की वजह से U2 कितनी बनेगी, कहां गया, बीसी की वजह से U2 कितनी बनेगी, 1/4πε0 Q1 Q3 अपॉन R2। फिर CA की वजह से कितनी बनेगी, U3 इज इक्वल टू 1/4πε0 Q2 Q3 अपॉन R3। तो टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम कितनी हो जाएगी, U1 प्लस U2 प्लस U3, तो इन सब को उठा के जोड़ दीजिए आप, यू कितना हो जाएगा आपका, 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R1 प्लस 1/4πε0 Q1 Q3 अपॉन R2 प्लस 1/4πε0 Q2 Q3 अपॉन R3। टोटल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम क्या हो जाएगी, इस चीज को आप लोग नोट कर लिया, ठीक है, इस चीज को आप लोग अच्छे से नोट करें, और इस लेक्चर में इतना ही रहेगा। ठीक है, बेस्ट ऑफ लक।